नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। दिल्ली शराब नीति घोटाले में, दिल्ली के शराब कथित शराब घोटाले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन बिल्कुल भी राहत भरा नहीं रहा। और हाईकोर्ट में जो उन्होंने याचिका दायर की थी कि उनका जो मामला है वो असंवैधानिक है, उनकी जो गिरफ्तारी है वो असंवैधानिक है और इस केस को ही खारिज कर दिया जाए, तो केस तो खारिज नहीं हुआ। हालांकि हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को जरूर खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी संवैधानिक तरीके से की गई है और ये बीजेपी या फिर अरविंद केजरीवाल की पार्टी या फिर इन दोनों के बीच का मामला नहीं है, ये मामला है ईडी के बीच का, अरविंद केजरीवाल के बीच का और जो दिल्ली में कथित तौर पर शराब नीति में घोटाला हुआ है उसके बीच का। तो अब अरविंद केजरीवाल जो पिछले 20 दिन से जेल में बंद है, पहले वो ईडी की न्यायिक हिरासत में, ईडी की हिरासत में रहे, ईडी ऑफिस में, ईडी की जेल में बंद रहे, उसके बाद अब वो तिहाड़ जेल में बंद है, न्यायिक हिरासत में है और 15 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत ईडी के पास अरविंद केजरीवाल की है। तो 20 दिन से जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को आज हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है और हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ये केस पूरी तरीके से संवैधानिक है और जिन गवाहों के बयानों के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है वो बयान भी पूरी तरीके से संवैधानिक है, क्योंकि जो बयान जिन गवाहों के बयानों के आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया वो बयान ईडी के सामने दर्ज नहीं करवाए गए बल्कि वो बयान कोर्ट के सामने दर्ज करवाए गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि राघव मुंगटा और शरद रेड्डी जिनके बयानों पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है, अगर केजरीवाल को उन गवाहों के बयान जो बयान उन्होंने दिए हैं उस पर शक है तो वो उन्हें क्रॉस कर सकते हैं। और यहां भी अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका आज हाईकोर्ट के आदेश के बाद लगा है कि जो बयान है वो ईडी के सामने दर्ज नहीं करवाए गए बल्कि जजों के सामने वो बयान, कोर्ट के सामने वो बयान दर्ज करवाए गए हैं। तो आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल को अब राहत मिले इस बात की उम्मीद बेहद कम हो जाती है। जस्टिस स्वर्णकांता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट में हुई है तो ये पूरी तरीके से वैध है और अब किसी ऐसे मामले में किसी को भी विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब पहली बार हाईकोर्ट पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि फिलहाल चुनाव का वक्त है और वो अपनी पार्टी के स्टार कैंपेनर है तो उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी जाए, अगर उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी जाती है तो वो ईडी के सामने जाने के लिए तैयार है, ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। हालांकि उस वक्त भी हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका नहीं मानी थी, खारिज कर दी थी और आज भी अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया गया है कि किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। हालांकि आपको बता दूं कि इस शराब नीति का जो मामला है, शराब घोटाले का जो मामला है, पिछले हफ्ते में इस शराब नीति के मामले में दो बड़े फैसले भी हाईकोर्ट की तरफ से आए हैं। एक आम आदमी पार्टी को राहत देने वाला फैसला है जिसमें संजय सिंह को तकरीबन 181 दिन जेल में रहने के बाद जमानत दे दी गई और उनकी जमानत का ईडी ने विरोध नहीं किया। ईडी ने अदालत के सामने कहा कि आप अगर चाहें तो संजय सिंह को जमानत दे सकते हैं, क्योंकि हमारी जो पूछताछ थी, हमें जो पूछताछ करनी थी, जो क्रॉस क्वेश्चंस करने थे वो पूरे हो गए, उसके आधार पर ईडी ने जब विरोध नहीं किया तो ईडी के कहने के बाद कोर्ट से संजय सिंह को जमानत दे दी गई। वहीं दूसरी तरफ फैसला आया के कविता को लेकर, के कविता भी इसी मामले में गिरफ्तार है और के कविता की जो जमानत याचिका थी वो खारिज कर दी गई थी हाईकोर्ट के द्वारा। हालांकि उन्होंने कहा था कि उनके बच्चों के एग्जाम है और इस वजह से उन्हें बेल दे दी जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया गया था। हालांकि ईडी के सूत्रों के हवाले से खबर ऐसी भी है कि के कविता ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को 1 करोड़ रुपए दिए हैं, मनीष सिसोदिया को भी 1 करोड़ रुपए दिए हैं। तो इन दोनों का जो केस लड़ रहे हैं वो केस लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी, के कविता का भी वकील वही है और अरविंद केजरीवाल के भी वकील वही है। तो अब ऐसे में अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार करती है या फिर नहीं। हालांकि ये बहुत मुश्किल होगा कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए और सुप्रीम कोर्ट वापस से हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करे, इस बात की उम्मीद बेहद कम होती जा रही है। तो शराब नीति के मामले में अरविंद केजरीवाल अब बुरी तरीके से फंसते जा रहे हैं और उनका जेल से जल्दी बाहर आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मनीष सिसोदिया तकरीबन 1.5 साल से जेल में बंद है, संजय सिंह भी तकरीबन 6 महीने का वक्त जेल के भीतर गुजार कर आए हैं और सत्येंद्र जैन तो मनीष सिसोदिया से भी पहले जेल में बंद है। वहीं अगर आपको इस मामले में जो ताजा अपडेट है उसके बारे में अगर बताएं तो
कल ही ईडी ने अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया था और साथ ही आम आदमी पार्टी के एक विधायक दुर्गेश पाठक को भी ईडी ने बुलाया था जिनसे पूछताछ की जा सके। और इन लोगों को बुलाया गया था क्योंकि इससे पहले आतिशी सिंह ने, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि अरविंद केजरीवाल के बाद अब चार लोगों पर और ईडी कार्रवाई कर सकती है। उन चार लोगों में आतिशी सिंह का नाम था, सौरभ भारद्वाज का नाम था, दुर्गेश पाठक का नाम था और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का भी इसमें नाम शामिल था। और उसके बाद दुर्गेश पाठक को ईडी की तरफ से नोटिस दिया गया और पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस बुलाया गया। हालांकि दुर्गेश पाठक और अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी दोनों पूछताछ के लिए गए भी ईडी के कार्यालय में, लेकिन ईडी ने उनसे क्या सवाल जवाब किए और उन सवालों के जवाब में इन दोनों ने क्या कुछ कहा, ये जानकारी अब तक निकल कर सामने नहीं आई है। तो जो दिल्ली का जो कथित शराब घोटाला है, जिसमें आम आदमी पार्टी का कहना है कि मनी ट्रेल कहीं नहीं है, हालांकि इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी तो ईडी ने 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी और इस मनी ट्रेल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ, प्रथम दृष्टया अगर देखें तो 338 करोड़ रुपए की जो मनी ट्रेल है वो नजर आती है। वहीं आपको बता दूं कि ईडी के आरोप है कि ईडी अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने गोवा के विधानसभा चुनाव में 45 करोड़ रुपए घूस लेकर, साउथ लोबी से जो 100 करोड़ रुपए की घूस ली गई उसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा के चुनाव में खर्च किए। इसी के आधार पर गोवा के कई विधायकों से भी पूछताछ की गई और जो प्रभारी रहे थे उस वक्त दुर्गेश पाठक और आतिशी सिंह, इनसे भी आतिशी सिंह पर अभी कोई नोटिस नहीं पहुंचा है ईडी का। हालांकि दुर्गेश पाठक से पूछताछ हो चुकी है। तो आपको आखिर में बता दूं कि हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है और जो सोच रहे थे कि वो चुनावी कैंपेन का हिस्सा बन सकते हैं अरविंद केजरीवाल, वो नहीं बन पाएंगे। हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने जो याचिका थी अरविंद केजरीवाल की कि उनकी गिरफ्तारी असंवैधानिक तरीके से की गई है और अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि उनका नाम इस केस से ही हटा दिया जाए, उनकी तरफ से इस केस को ही रफा दफा कर दिया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी दलीलों को, उनकी याचिका को खारिज कर दिया है और अब लंबे वक्त तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहने वाले हैं। आज जो फैसला आया वो फैसले में, वो फैसला, वो फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। ये सारी जिक्र जो है, ये सारा जिक्र जो है जजमेंट में है। अभी मैंने जजमेंट पढ़ा नहीं है, जजमेंट मेरे हाथ में आएगा, पढ़ूंगा, उसके बाद मैं विशेष टिप्पणी करूंगा। सर, जो लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि ये मामला पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेज अरविंद केजरीवाल है, उसको लेकर कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो है ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच की मैटर है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं नहीं आती। सर, जिस तरह से डिसमिस कर दिया, कितना बड़ा आप उसके फैसले को देखो कि लगातार फैसला बड़ा छोटा नहीं होता है, फैसले से न्याय होता है। अरेस्ट गलत बताया जा रहा था सर, उसको ईडी ये केजरीवाल ने कहा कि अरेस्ट गलत है, कोर्ट ने उसकी जो दलील है, उसकी जो बहस है वो खारिज कर दी, बोले अरेस्ट लीगल है।